और चलिए अब आपको दिखाते हैं पूर्वांचल की खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। कौशाम्बी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। साथ ही कांग्रेसियों ने भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी सांसद ने जेपी नड्डा को पूरे मामले की जानकारी दी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली आपदा मित्र और सखी को संबोधित किया, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान आपदा मित्रों और सखियों को सम्मानित भी किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया, साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मऊ में सपा समर्थक मंत्री और विधायक लापता हैं, ये पोस्टर वायरल करने जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और विधायक श्रीराम सोनकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से लापता हैं और दोनों ही जनता पर ध्यान नहीं दे रहे। मिर्जापुर में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए मनीष दुबे और छोटे खान में धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। बाद में बड़ी मुश्किल से मामले को शांत करवाया गया। वाराणसी में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 9 तस्करों के पास से 403 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। पकड़े गए तस्करों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। भदोही में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर से कई बोरियों में भरे पटाखे और बारूद बरामद हुए। ये अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम करते थे।